इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के रफा शहर में अब इजरायली फौज और हमास के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रफा पर चढ़ाई करने के लिए आईडीएफ को भेज दिया है और अब रफा में मौत का वो तांडव शुरू हो गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इजरायली सेना रफा के हर कोने में घुसना चाहती है, वहीं हमास उसे रफा के भीतर घुसने से रोक रहा है। आईडीएफ का कहना है कि रफा में हमास की कम से कम 4 बटालियनों ने बसेरा बना रखा है जिन्हें उखाड़ फेंकने के बाद ही वो रफा से वापस लौटेगी। लेकिन हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स और अल कुद्स ब्रिगेड्स रफा के भीतर ही आईडीएफ की कब्र खोदने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में अल कासिम के लड़ाके ने गाजा में अल जैतून में आईडीएफ पर एंटी पर्सनल गोले दागे हैं। अल कासिम ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि दूर से आईडीएफ के कुछ जवान चलते हुए नजर आ रहे हैं और इन पर अल कासिम के लड़ाके घात लगाकर दनादन एक साथ गोले दाग देते हैं जिसमें जोरदार धमाका होता है। अल कासिम का दावा है कि इस धमाके में आईडीएफ के तीनों जवानों का काम तमाम हो गया। और एक ऐसा ही हमला पूर्वी रफा में हुआ है। यहाँ पर अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के कुछ जवानों पर पहले निशाना साधा और उसके बाद उन पर फायरिंग कर दी। आईडीएफ के ये जवान एक बिल्डिंग में पोजीशन लिए हुए थे और आईडीएफ का एक जवान नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है और तभी उन सैनिकों पर हमला हो जाता है। इस वीडियो में अल कासिम का एक लड़ाका ज़मीन के नीचे से आईडीएफ के एक टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है। इसके बाद अल जैतून के अल तकदीन एक्सेस में अल कुद्स ब्रिगेड्स के लड़ाके आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर बमबारी करते हैं। इस दौरान आईडीएफ और अल कुद्स की भीषण जंग होती है। अल कुद्स ने इस लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आईडीएफ के कुछ टैंक नजर आते हैं जिन पर अल कुद्स का लड़ाका एक खंडहर पड़ी इमारत में घुसकर रॉकेट लॉन्चर दाग देता है और जैसे ही ये रॉकेट आईडीएफ के टैंक पर गिरता है वैसे ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद अल कुद्स का एक लड़ाका आईडीएफ की तरफ दनादन रॉकेट दागता हुआ दिख रहा है और इस हमले के बाद हमास ने रफा के जबालिया कैंप में इजरायली सैनिकों पर एक मिसाइल हमला कर देते हैं। ड्रोन के जरिए आईडीएफ के जवानों पर मिसाइलें और रॉकेट गिराए जाते हैं। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक ड्रोन उड़ते हुए आईडीएफ की पोजीशन पर मंडराता है और उसके बाद फिर वो आईडीएफ के जवानों और टैंकों को चिन्हित करके उनके ऊपर रॉकेट और मिसाइलें गिरा देता है। और जैसे ही ये रॉकेट और मिसाइलें आईडीएफ के ऊपर गिरते हैं वहां पर ताबड़तोड़ बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं।